हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ भिलाई। ये व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का है बट मुझे एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिला, बहुत सारे काम वाम थे तो मैं अभी इसको एडिट कर रही हूँ। तो मैं, मेरी ये फ्रेंड की सिस्टर है छोटी और उसका छोटा भाई, हम लोग जा रहे हैं मेरे फ्रेंड की यहाँ। उसकी शादी हो चुकी है तो उसके यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर बाद हमें भूख लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने अभी खाया है नाश्ता, ये देख सकते हो उपमा का डब्बा खोला है, कितना टेस्टी दिखने में भी है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने ये उपमा का नाश्ता किया है और ट्रेन में भी कुछ कुछ बेचने के लिए आते वो भी हमने खाया था, फिर भी हमें भूख लगी थी तो हमने नाश्ता कर लिया है। अभी देख सकते हैं आप लोग, बाहर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन के सफ़र में यही तो मज़ा है कि थोड़ा व्यू वगैरह देखने के लिए अच्छा लगता है। तो देखिए, हम जहाँ पर जा रहे थे वो भिलाई था। जो लोग आसपास के हैं उन लोगों को पता है भिलाई के आसपास में ही डोंगरगढ़ है, ये रायपुर के पास में ही। यह माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है डोंगरगढ़ का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, पहाड़ी है एकदम हरा हरा और यहाँ की हवा भी काफ़ी अच्छी है। हम लोग गए हैं डोंगरगढ़ जब यात्रा होती है नवरात्र वगैरह में और ऐसे भी जा चुके हैं हम लोग। यहाँ पर जाने से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर माता का मंदिर है सबसे टॉप में, देख सकते हैं आप लोग, सबसे टॉप में माता का मंदिर है। और आप लोग देखिए, जो भी लोग यहाँ से जाते हैं ट्रेन से जाए कैसे भी जाए, बस यहाँ से गुजरे भी फिर भी माता को नमस्ते करते हुए ही जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो देखिए, इसके बाद में हम लोग पहुँच चुके थे भिलाई, ये देखिए। और मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड जो जिया जी, वो रिसीव करने हमको आ चुके हैं। और देखिए, काफ़ी ज़्यादा खुश थी हम लोगों से मिलकर, बहुत ज़्यादा खुश थी। हमने थोड़ी मस्ती मजाक की और दूसरे ही दिन शिवरात्रि थी तो हम लोग मंदिर गए थे इनके पास ही में, घर के पास में जो मंदिर, ये मेरा लुक है। और मेरी है ना, बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऐसा वाला जो टीका है, मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देख चुकी थी और मुझे पर्सनल खुद अच्छा लगता था ये टीका और मुझे लगाना ही था। तो देख सकते हैं टीका लगने के बाद में लुक काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमारे शिवरात्रि के दिन की फ़ोटोज़ है। देखिए, मैं इस ब्लॉग में है ना सभी चीज़ों को कम्बाइन की हूँ, शिवरात्रि थी और शिव जयंती भी थी, तो सभी चीज़ों को यहाँ पर कम्बाइन की हूँ। तो देखिए, हम दूसरे तीसरे दिन हम लोग घूमने के लिए चले गए थे बाहर। ये देखिए, यहाँ पर है ना बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में ही। और यहाँ की मान्यता है कि जो भी डॉक्टर या जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। तो मैंने भी थोड़ी सी मन्नत मांग ही ली है, वो सीक्रेट है, वो बताऊंगी नहीं। तो देखिए, फिर हम लोग है ना बाहर घूमने के लिए चले गए थे। आज है ना शिवाजी जयंती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी है ना बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से शिवाजी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे थे सभी लोग। देखिए, जो भिलाई है ना वो महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट करते, पर जहाँ जहाँ पर मराठी लोग पहुँच चुके हैं वहाँ वहाँ पर सभी लोग या अदर भी लोग शिवाजी जयंती को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैं जहाँ से हूँ ना, मेरा होम टाउन जहाँ से है ना, वहाँ पर तो शिवाजी जयंती को बहुत ही बड़ी रैली निकलती है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते सभी लोग मिलकर। और मैं सबके स्टेटस देख रही थी, थोड़ा सा जेलस हो रही थी कि काश मैं वहाँ पर होती, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हमने शिवाजी जयंती को बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़ा है, यहाँ पर भी हम लोग गए थे तो देखिए सभी लोगों ने मतलब अपनी शिवाजी जयंती का जो फ्लैग था ना वो लगाया था। इसके बाद में चाय का अड्डा एक प्लेस है जहाँ पर हमने कुल्हड़ वाली चाय ट्राई कि मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की। तो देख सकते हैं हम सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। इसके बाद में हम लोग गए डीमार्ट में। डीमार्ट के ऊपर में एक अलग से स्पेशली व्लॉग आने वाला है, उसमें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से भी हमने कुछ कुछ शॉपिंग किया, बहुत कुछ लिया। तो देख सकते हैं इंडियन थिंग्स मैंने सबसे लास्ट अंदर वाली बॉटल को निकाला खरीदने के लिए, क्योंकि देख सकते बाहर वाली बॉटल थोड़ी सी मतलब पता नहीं क्यों, पर फिर भी अंदर वाली ही चीज़ें ऐसे निकाल के ही हम लोग खरीदते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका पूरा व्लॉग भी आने वाला है चैनल पर जल्द ही, तो आप उसे देखना भी मत भूलिएगा। इसके बाद में हम लोग नूडल्स मैगी वगैरह खाने के लिए कैफ़े में रुके थे, वहाँ की ये फ़ोटो है। और शाम मतलब शाम तो क्या, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग घर जा रहे, फिर भी घूम रहे थे मोमोज़ वगैरह का। सेकेंड डे हम लोग इसके बुआ के घर में गए थे मेरे फ्रेंड के, तो ये वहाँ के पिक्चर्स है कुछ। देखिए, मैं हर जगह पर व्लॉग शूट करना कम्फर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, तो देखिए कुछ फ़ोटोज़ को मैंने इसके साथ में ऐड किया है। और ये यहाँ का प्लेस है, देखिए गार्डन जैसा है जिसमें इस तरीके की मूर्ति है। और 2-3 दिन हम लोग ने बहुत अच्छे से वहाँ पर रहे, फिर बाद में अभी आ ही गया था घर जाने का टाइम, तो हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में, ये दुर्ग के रेलवे स्टेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी अलविदा कहने का टाइम तो आ चुका है,
तो देख सकते हैं अभी ये जो ट्रेन है ना, इसी के अंदर हमको जाना था। हम लोग चले जाते हैं इस ट्रेन के अंदर में। अभी 5 से 6 दिन हो गए थे हम लोग इसके यहाँ पर रुके थे, और वो ज़बरदस्ती और बोल रही थी कि रुक जाओ, जाने का मन उसको, मतलब हम लोगों को जाने देने का मन ही नहीं था। देखिए जाते समय भी रो रही थी बेचारी, क्या ही कर सकते, जाना तो पड़ेगा ही। तो देख सकते थोड़ी देर बाद, ये देखिए अपने सिमरन को ढूंढ रहा है, मेरी सिमरन कहाँ गई, सिमरन कहाँ गई। मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर रही थी, सब लोग वहाँ पर हंस रहे थे, फिर मेरे फ्रेंड वगैरह। तो आप लोग देख सकते हैं अपने सिमरन को ढूंढ रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको इसकी सिमरन मिलेगी। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यू है, और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था हमारे घर पहुँचने में। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी और चल भी काफ़ी ज़्यादा स्लो रही थी। ये रही मैं, ट्रेन वगैरह में मैं देखती नहीं कि मैं कैसे दिख रही हूँ, बस जो कंफर्टेबल मुझे हो, जैसे स्कार्फ वगैरह ओढ़ना मैं वैसे ही रहती हूँ। कंफर्ट मतलब अच्छा चाहिए मेरे को ट्रेन वगैरह में। लुक अगर अच्छा नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं। इसके बाद में हम लोग हमारे गांव के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं जब आई थी ना उस टाइम पे ये शॉप नहीं थी, बट देखिए अभी शॉप ये बन चुकी है यहाँ पर। तो हम लोग आ गए हैं हमारे गाँव के रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन से हम लोग थोड़ा बाहर निकले, ये देख सकते हैं। और आज का व्लॉग करते यहीं पर ख़त्म। और भी अच्छा व्लॉग आने वाला है डीमार्ट वाला, तो आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।